सुप्रभात प्यारे बच्चों, चलिए आज का हिंदी का कार्य आरंभ करते हैं। पाठ 16, अबतल बढ़िया भैंस, हमारे पाठ का नाम है, विषय है हमारा हिंदी सारांश बुक से हम ये पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 2 है, किसने किससे कहा, क्या नंबर क्या है, तुम बेकार के जानवर हो, तो ये हाथी ने कछुए से कहा। खैर, तुम इतने छोटे हो, तुम भला क्या काम करोगे, तो ये किसने कहा था, दरियाई घोड़े ने कछुए से कहा था। गए, इतना घमंड अच्छा नहीं, कछुए ने हाथी से कहा। उसके बाद है, मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ, कछुए ने दोनों से। उसके बाद तो हो जाए मुकाबला, ये किसने कहा था, दरियाई घोड़े ने कछुए से कहा था। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए शब्दों के से वाक्य बनाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द क्या है, नदी। हाथी नदी के किनारे रहता था। खे, मदद शब्द है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। नंबर गया है मुकाबला, दोनों जानवरों में मुकाबला हुआ। उसके बाद हमारा शब्द है चट्टान, रस्सी चट्टान से बंधी थी। उसके बाद हमारा शब्द है गुलाम, वह मेरा गुलाम है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 हमारा प्रश्न है, सही वाक्यों पर सही और गलत पर गलत का जो है निशान हम लगाएंगे। ठीक है, नंबर क्या है, एक हाथी और कछुआ दोस्त थे, तो ये सही है या गलत है, ये है गलत, तो हमने गलत का निशान लगाया। उसके बाद है, हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था, तो ये वाक्य सही है। उसके बाद कछुआ एक रस्सी लाया, ये वाक्य भी सही है। हाथी ने रस्सी ऊपर खींच ली, ये वाक्य गलत है। उसके बाद शर्त, कछुआ जीत गया, तो ये वाक्य भी सही है। उसके बाद मिलान करने हैं, हमें मैचिंग करनी है कि बीवी, बीवी की मैचिंग हम किससे करेंगे, पत्नी से। दोस्त, दोस्त को हमने मिलाया मित्र से। समुद्र, समुद्र को सागर से। किनारा, किनारे को तट से। हाथी, हाथी को गज से। जानवर, जानवर को पशु से। शरीर, शरीर को तन से। गुलाम, गुलाम को नौकर से मिलाया। बुद्धि, बुद्धि को अक्कल से। पैर, पैर को पांव से हमने मिलाया। इस तरह से हमने अपनी मैचिंग की। उसके बाद सही जगह पर बिंदु लगाना है। ठीक है, हमें बिंदु लगाना है। आप देखिए, तुरंत यहाँ पे बिंदी नहीं थी। ठीक है, तय ऊ रे तय, सिर्फ ये लिखा हुआ था, हमने बिंदी लगाई रे और तय के बीच में, अंग की बिंदी, तो ये क्या हुआ, तुरंत। उसके बाद मंत्री, उसके बाद बिंदु लगाने के बाद शब्द बना अंदर, उसके बाद ढंग, उसके बाद सुंदर और उसके बाद परंतु। इस तरह से हमने सब पे यहाँ पे बिंदु लगाया है। सब बच्चे इनको लर्न करके आप अपनी बुक में भी लिखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।